ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कोन कमांड और स्पेयर कमांड के बारे में जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में हम पिरामिड कमांड, वेज कमांड और टोरस कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको व्यूपोर्ट सेट करना है। व्यूपोर्ट सेट करने के बाद फर्स्ट कमांड है पिरामिड। पिरामिड कमांड की शॉर्टकट की है PYR। आप जैसे ही PYR टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो पिरामिड कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें पिरामिड के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यूपोर्ट में कहीं भी पिरामिड के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें पिरामिड के बेस रेडियस को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपके पास जो भी रेडियस होगा वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें पिरामिड की हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही कुछ इस शेप में पिरामिड बनेगा। तो ये थी पिरामिड कमांड। नेक्स्ट कमांड है टॉप रेडियस। टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से पिरामिड कमांड एक्टिवेट करना है। पिरामिड कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद रेडियस स्पेसिफाई करना है। रेडियस स्पेसिफाई करते ही आपको यहां पर कमांड लाइन में थर्ड ऑप्शन टॉप रेडियस का मिलेगा और टॉप रेडियस की शॉर्टकट की है टी। आप जैसे ही टी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको टॉप रेडियस स्पेसिफाई करना है। रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने हिसाब से हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। हाइट स्पेसिफाई करते ही कुछ इस शेप में ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये थी टॉप रेडियस कमांड। नेक्स्ट कमांड है एज। एज कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से पिरामिड कमांड एक्टिवेट करना है। पिरामिड कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहां पर कमांड लाइन में दो ऑप्शन मिलेंगे, एज और साइड। तो फर्स्ट ऑप्शन है एज। एज कमांड की शॉर्टकट की है ई। आप जैसे ही ई टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो एज कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। एज कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ एज स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको सेकेंड एज पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। सेकेंड एज पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें पिरामिड के हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक
हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई दो एज पॉइंट है तो आप इस कमांड के जरिए उस दो पॉइंट पर एज पिरामिड बना सकते हो। तो ये थी एज कमांड। नेक्स्ट कमांड है साइट्स। साइट्स कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से पिरामिड कमांड एक्टिवेट करना है। पिरामिड कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर कमांड लाइन में सेकेंड ऑप्शन साइट्स का मिलेगा और साइट्स की शॉर्टकट की है एस। आप जैसे एस टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो साइट्स कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें नंबर ऑफ साइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी पिरामिड बनाए वो फोर साइड्स वाले थे, लेकिन अगर आपको चार साइड से कम या ज़्यादा साइड्स वाला पिरामिड बनाना है तो आप साइड्स कमांड की मदद से उसे बना सकते हो। तो आपको यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक साइड्स स्पेसिफाई करना है। साइड्स स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप व्यूपोर्ट में कहीं भी सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको रेडियस स्पेसिफाई करना है। रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। अगर आपको हाइट स्पेसिफाई करना है तो आप डायरेक्टली हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो, और अगर आपको इसका टॉप रेडियस स्पेसिफाई करना है तो टॉप रेडियस कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको टॉप रेडियस स्पेसिफाई करना है। टॉप रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद आपको हाइट स्पेसिफाई करना है। इतना करते ही कुछ इस शेप में ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि पॉलीगोनल पिरामिड है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की हाइट या इसका रेडियस चेंज करना है तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, तो उस पॉइंट को आप जब सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करते हो तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट भी मूव होगा। तो इस तरह से आप मैनुअली ऑब्जेक्ट की साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो ये थी पिरामिड कमांड। नेक्स्ट कमांड है वेज, और वेज कमांड की शॉर्टकट की है WE। आप जैसे ही WE टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो वेज कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। वेज कमांड एक्टिवेट करने के बाद कमांड लाइन हमें वेज के फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आप व्यूपोर्ट में कहीं भी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है। तो आपको अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अदर कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको हाइट स्पेसिफाई करना है। हाइट स्पेसिफाई करते ही वेज बनेगा इस शेप में। और दोस्तों, आप जब भी फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट जिस जगह स्पेसिफाई करते हो उसी जगह पर आपकी हाइट स्पेसिफाई होती है। तो ये थी वेज कमांड। नेक्स्ट कमांड है क्यूब। क्यूब कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से वेज कमांड एक्टिवेट करना है। वेज कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको क्यूब के फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करते ही आपको यहां पर कमांड लाइन में दो ऑप्शन मिलेंगे, क्यूब और लेंथ, और क्यूब कमांड की शॉर्टकट की है सी।
आप जैसे ही सी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो क्यूब कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। क्यूब कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको क्यूब की लेंथ स्पेसिफाई करना है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास जो भी डायमेंशन है आप उसे स्पेसिफाई कर सकते हो। लेंथ स्पेसिफाई करते ही कुछ इस शेप में वेज बनेगा। और दोस्तों, आप जब भी कोई भी क्यूब बनाते हो तो उसकी जो एक साइड की डायमेंशन होती है वही डायमेंशन उसके तीनों साइड की होती है। तो ये थी क्यूब कमांड। नेक्स्ट कमांड है लेंथ। लेंथ कमांड एक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से वेज कमांड एक्टिवेट करना है। वेज कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद यहां पर आपको कमांड लाइन में सेकेंड ऑप्शन लेंथ का मिलेगा और लेंथ कमांड की शॉर्टकट की है एल। आप जैसे ही एल टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो लेंथ कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। लेंथ कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहां पर कमांड लाइन वेज की लेंथ स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेंथ स्पेसिफाई कर सकते हो। लेंथ स्पेसिफाई करने के बाद आपको यहाँ कमांड लाइन वेज की विड्थ स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आपके पास जो भी विड्थ की डायमेंशन है वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। विड्थ स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें वेज की हाइट स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हाइट स्पेसिफाई कर सकते हो। इतना करते ही वेज बन जाएगा। तो ये थी लेंथ कमांड। नेक्स्ट कमांड है टोरस। टोरस कमांड की शॉर्टकट की है टी ओ आर। आप जैसे ही टी ओ आर टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करते हो तो टोरस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहां कमांड लाइन टोरस के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप व्यूपोर्ट में कहीं भी टोरस के सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई कर सकते हो। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें टोरस के रेडियस को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपने मुताबिक रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो। रेडियस स्पेसिफाई करने के बाद कमांड लाइन हमें ट्यूब के रेडियस को स्पेसिफाई करने के लिए बता रहा है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हो। रेडियस स्पेसिफाई करते ही कुछ इस शेप में आपको टोरस दिखाई देगा, जो कि हमें एक डोनट की शेप में दिख रहा है। तो ये थी टोरस कमांड, जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।